माय सेल्फ सुचित्रा पुजारी वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी आज हम सॉल्व करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो कि एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर 2020 एग्जामिनेशन में पूछा गया था before going into the video let me introduce myself first my name is suchitra pujari i have done my mcom from Khelkar college molun i have qualified net with 99.017 percentile in december 2020 attempt i also qualified kset and maharashtra set in 2021 let us start with the video so the question is the following table shows the total number of beds in each hospital in bracket

दैन वायरल डिसीज़ हार्ट डिसीज़ किडनी डिसीज़ एंड लिवर डिसीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है सो so, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्ज़ाम में तो हमें टोटल करना होता है हर एक हॉस्पिटल का हर एक डिसीज़ का सो so, मैंने ये टोटल किया है आपको दिखाती हूँ मैं सो दिस इज़ द टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल डिसीज़ दिया है थर्टी फिफ्टीन थर्टी फाइव एंड टेन सो हॉस्पिटल ए में वायरल डिसीज़ है थर्टी हॉस्पिटल बी में फिफ्टीन हॉस्पिटल सी में थर्टी फाइव एडमिटेड एंड डी में टेन आर एडमिटेड सो थर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी फाइव प्लस टेन दैट मीन्स नाइनटी पेशेंट्स है वायरल डिसीज़ के हार्ट डिसीज़ का अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेट किया तो एटी फाइव आया किडनी फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन फाइव दैट इज़ फोर्टी लिवर डिसीज़ में टेन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फिफ्टीन दैट इज़ थर्टी फाइव अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल्स के डेटा को भी हमें कैलकुलेट करना है सो थर्टी प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस टेन दैट मीन्स कितने बेड्स यूटिलाइज है नाइन्टी सो नाइन्टी बेड्स आर यूटिलाइज हॉस्पिटल भी में फिफ्टीन प्लस टेन प्लस फाइव प्लस फाइव दैट मीन्स थर्टी फाइव बेड्स आर यूटिलाइज हियर इट्स एटी फाइव एंड हियर इट्स फोर्टी सो टोटल में जो यूटिलाइज है फिफ्टी आ गया फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अनयूटिलाइज अनयूटिलाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे हंड्रेड में से माइनस किया मैंने नाइन्टी हंड्रेड बेड्स अवेलेबल था उसमें से मैंने यूटिलाइज कितना किया है नाइन्टी दैट मीन्स अनयूटिलाइज कितना हुआ टेन सेम बी के लिए भी करेंगे फिफ्टी माइनस थर्टी फाइव फिफ्टीन इज अनयूटिलाइज हंड्रेड माइनस एटी फाइव फिफ्टीन इज अनयूटिलाइज फिफ्टी माइनस फोर्टी दैट मीन्स टेन बेड्स वेर अनयूटिलाइज सो अनयूटिलाइज का भी मैं टोटल कर रही हूँ सो टेन प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस टेन दैट मीन्स फिफ्टी बेड्स वेयर अनयूटिलाइज क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका टोटल करना है इससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट डे आर आस्किंग विच डिसीज़ ऑक्यूपाइज हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स सो डिसीज़ के बारे में पूछा है सो डिसीज़ के अकॉर्डिंग तो वायरल डिसीज़ हार्ट डिसीज़ किडनी डिसीज़ एंड लिवर डिसीज़ में से हाइस्ट नंबर कहाँ पे? है सो नाइन्टी एटी फाइव फोर्टी थर्टी फाइव दैट मीन्स नाइन्टी इज़ द हाइस्ट नंबर वो क्या है वायरल डिसीज़ में सो आर आंसर इज़ वायरल डिसीज़ सो विच डिसीज़ ऑक्यूपाइज हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल हॉस्पिटल्स टुगेदर सो वायरल डिसीज़ का नाइन्टी है हाइएस्ट सो वायरल डिसीज़ इज़ आर आंसर नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग वॉट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स टोटल परसेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड सो टोटल कितना है फिफ्टी अनयूटिलाइज बेड के बारे में पूछ रहे टोटल है फिफ्टी सो so, हमारे पास एक्चुअल में कितने बेड्स अवेलेबल है हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस हंड्रेड प्लस फिफ्टी दैट मीन्स थ्री हंड्रेड बेड्स अवेलेबल है हमारे पास उसमें से अनयूटिलाइज है फिफ्टी सो so इसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है सो सिंपली फिफ्टी बेड्स वेयर अनयूटिलाइज एंड टोटल इज थ्री हंड्रेड सो फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इन टू हंड्रेड दो ज़ीरो को दो जीरो कैंसिल थ्री वन ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री थ्री सिक्स ज़ा एटीन पॉइंट जीरो आ गया फिर थ्री सिक्स ज़ा थ्री सिक्स ज़ा थ्री सिक्स ज़ा सो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट आ रहा है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स फ्रॉम द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड तो इन्होंने स्पेसिफिकली हमें क्या पूछा है लिवर पेशेंट्स लिवर पेशेंट्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स मतलब सारे हॉस्पिटल के लिवर पेशेंट्स ये टोटल चाहिए फ्रॉम द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड मतलब यहाँ पे जो हम लोग ने यूटिलाइज निकाला था कितने सारे बेड्स यूटीलाइज्ड हुए थे मतलब कितने लोग एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में उससे हमें डिवाइड करना है सो सिंपली वील गो बैक टू द टेबल क्या पूछा है उन्होंने लीवर फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल्स एडमिटेड सो थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी लीवर का टोटल चाहिए था हम लोगों को और कितने लोग एडमिट हुए थे एडमिट कैसे पता चलेगा कितना बेड यूटिलाइज्ड हुआ दैट मींस एडमिट किया गया लोगों का डेटा मिलेगा मुझे सो थर्टी फाइव डिवाइड बाई टू फिफ्टी वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल्स एक्चुअल में थर्टी लोग एडमिट हुए लीवर डिसीज में और किससे हमें कंपेयर करने बोला है फ्रॉम द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड तो यूटिलाइज्ड कितना हुआ था बेड टू फिफ्टी इन टू हंड्रेड ज़ीरो जीरो कैंसिल फाइव फ़ाइव ज़ा फाइव सेवन ज़ा फ़ाइव वन ज़ा फ़ाइव टू ज़ा तो सेवन इंटू टू दैट मीन्स फोर्टीन परसेंट इज़ आर आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इसे हम नेक्स्ट दूसरे मेथड से कैसे करेंगे मुझे पता है टू फिफ्टी इज़ माई हंड्रेड परसेंट टेन परसेंट क्या होगा ट्वेंटी फाइव वन परसेंट टू पॉइंट फाइव मुझे थर्टी फाइव तक जाना है तो मुझे ट्वेंटी फाइव का परसेंट पता है टेन परसेंट ठीक है अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया फ़ोर से टू पॉइंट फाइव को तो कितना होगा टेन सो so ये वन को भी मल्टीप्लाई किया तो फोर होगा अगर मेरा फोर परसेंट टेन है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगी फोर परसेंट इज टेन मुझे कितना का वैल्यू चाहिए था थर्टी फाइव का परसेंट चाहिए था थर्टी फाइव आना है तो आपको फोर्टीन परसेंट कैलकुलेट करना होगा सिंपल है ये मेथड सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व करना होता है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन वॉट इज़ द रेशियो ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड फॉर वायरल डिसीज़ टू किडनी डिसीज़ वायरल टू किडनी का डेटा पूछा है उन्होंने वायरल टू किडनी वायरल का कितना है नाइन्टी किडनी का कितना है टोटल फोर्टी नाइन्टी इज़ टू फोर्टी ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल नाइन इज़ टू फोर इज़ आंसर कभी कभी एग्ज़ाम में तीन क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इजीली निकल पाएंगे यहाँ पे क्या किया था वायरल का हमारे पास टोटल था किडनी का भी टोटल था नाइन्टी इज़ टू फोर्टी ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल किया नाइन इज़ टू फोर सिंपली आंसर आ गया ठीक है लास्ट क्वेश्चन वॉट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू हॉस्पिटल बी तो हॉस्पिटल ए इज़ टू हॉस्पिटल बी का डेटा उन्होंने पूछा है हॉस्पिटल ए नाइन्टी हॉस्पिटल बी थर्टी फाइव ए इज नाइन्टी एंड बी इज़ थर्टी फाइव उन्होंने क्या पूछा था टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए इज़ टू हॉस्पिटल बी सो हमें यूटिलाइज बेड देखना है ए इज़ टू बी का सो so, 90 इज टू थर्टी फाइव आ गया फ़ाइव सेवन ज़ा फाइव वन ज़ा फाइव फाइव एट ज़ा फोर्टी सो एटीन इज़ टू सेवन आवर आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंपल है आज का डी आई जो क्वेश्चन एच आर एम के पेपर में पूछा गया था उसे हमने सॉल्व किया बहुत ईजी था ये क्वेश्चनस इसमें क्या था तीन क्वेश्चंस तो इजीली हमारे टेबल के टोटल के थ्रू ही निकल जा रहा था और बाकी दो क्वेश्चन को हमें थोड़ा सॉल्व करना था बस थैंक यू कीप लर्निंग एक्सप्लोर मोर स्टे क्यूरियस अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय